हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। दोस्तों, प्रेगनेंसी के टाइम पर हम अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं ताकि बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन डिलीवरी के बाद हम अपने खाने पीने को लेकर थोड़े लापरवाह हो जाते हैं और सब चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो उस टाइम पर आप कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हो सकता है बच्चे के लिए नुकसानदायक हो। और हम सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क 1 साल तक बच्चे को ज़रूर देना चाहिए, इसलिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो खाने में अपने ध्यान रखनी है ताकि बच्चे को उससे कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट फीड कराने वाली मॉम को क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए ताकि बच्चे को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना देखनी पड़े। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारी सभी पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी में कोफीन होता है जो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे बच्चे को प्रॉपरली नींद भी नहीं आती, बच्चा चिड़चिड़ा होता है और हमें रीज़न भी नहीं पता चलता कि आखिर बच्चा क्यों परेशान हो रहा है। इसलिए अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो उस केस में आपको कॉफ़ी अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंड है लहसुन। लहसुन की जो स्मेल होती है वो मिल्क के प्रोडक्शन के टाइम पे उसमें मिल जाती है, और जब भी बच्चा दूध पीता है तो उसे एक अजीब सी स्मेल आती है लहसुन की, और विशेषज्ञ कहते हैं कि बच्चे को लहसुन की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो ब्रेस्ट फीड करना ही छोड़ देता है और हमें रीज़न ही नहीं पता चलता कि बच्चा अचानक से ब्रेस्ट फीड करना क्यों छोड़ दिया। इसलिए अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो उस टाइम पर बहुत मिनिमम क्वान्टिटी में लहसुन लीजिए या फिर अवॉइड करिए। नेक्स्ट पॉइंट है पुदीना। पुदीना मिल्क प्रोडक्शन को कम करता है। अगर आप पुदीने की चटनी खाती हैं या किसी भी फॉर्म में पुदीना लेती हैं तो आप देखेंगे कि मिल्क प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा, जिससे बच्चे को प्रॉपरली दूध नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको किसी भी फॉर्म में पुदीना अवॉइड करना। नेक्स्ट पॉइंट है खट्टे फल। जो फल बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं यानी बहुत एसिडिक होते हैं, उनको अवॉइड करना है आपको ब्रेस्ट फीड अगर आप करानी है उस टाइम पे, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है जिससे बच्चे को भी एसिड बनता है और बच्चे का पेट खराब हो जाता है। कुछ फल जैसे आंवला, ग्रेपफ्रूट, कीवी, इन सब में बहुत ज़्यादा ये एसिडिक होते हैं, इसलिए इन फलों को अवॉइड करना चाहिए। 18 मंथ से छोटे बच्चे कुछ फल तो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जो खट्टे फल हैं उनको अवॉइड करिए। नेक्स्ट पॉइंट है मूली, पत्ता गोभी या इसी तरह की कोई ऐसी चीज़ जो आपको गैस बनाए, उसे बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आपको गैस बनेगी तो बच्चे को भी डेफिनेटली गैस बनेगी और बच्चे के पेट में दर्द होगा बहुत ज़्यादा, बच्चा परेशान रहेगा। इसलिए जो भी चीज़ आपको गैस बनाती है, जैसे बहुत से लोगों को राजमा बहुत गैस बनाता है, तो वो लोग अवॉइड करें राजमा लेना, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको गैस बनाए उसे इस टाइम पर अवॉइड कराइए अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।